देवी तो बोल रही यार है कि आप लोग भूमिहार के भूमिहार मेरा है, आप कैसे बोल रहे हैं? ओ भूमिहार कैसे है? भूमिहार तो जिंदाबाद, लालटेन जिंदाबाद। इतना खुशी आप लोगों को? ना खुशी है तब तो बोल रहे हैं। रीना देवी से एक बार पूछिएगा, 10 साल से है ना, अच्छा। 10 साल में कितना बार आए हैं? अच्छा। नमस्कार, मैं अरविंद कुमार, आप देख रहे हैं अरविंद टाइम्स। अभी हम चुनावी सर्वे करते करते एक कमलपुरा जो कि मंदिर है, उस मंदिर पे 10 लोग बैठे हुए हैं, और बता देते हैं कि यहाँ से मुन्ना शुक्ला, एक तरफ RJD के प्रत्याशी मुन्ना शुक्ला जी के 20 साल बाद लगभग यहाँ पे एक टिकट मिला है, जो कि भूमिहार समाज से ताल्लुक रखते हैं, भूमिहार से हैं। और इससे पहले चले तो 1984 में यहाँ से किशोरी सिन्हा जी सांसद बनी थी, उसके बाद 1989 में उषा सिन्हा। क्या उस गढ़ को भूमिहार बिरादरी के लोग बचा पाते हैं, या कि फिर से बिना देवी ही मौजूद होंगे? और तमाम मुद्दों पर इन लोगों से भी चर्चा करेंगे कि 5 साल में यहाँ क्या कार्यकलाप इनका रहा है, तो इन लोगों से जानने का कोशिश करेंगे। सर, आपका नाम क्या होगा? अमृतेश कुमार सिंह। अमृतेश कुमार सिंह। अच्छा, जातीय जनगणना हुआ था कि नहीं? हुआ है। हुआ है तो जातीय जनगणना में कौन से जात है? भूमिहारे हैं। भूमिहारे हैं, चलिए भूमिहार हैं। तो यहाँ से एक तरफ मुन्ना शुक्ला जी को टिकट मिला है और दूसरी तरफ बीना देवी, लेकिन स्वर्ण जो है वह कोर वोटर BJP के माना जाता है। क्या इस बार क्या रहेगा, वह टूटेगा या फिर बीना देवी रहेगा? बीना देवी को BJP के ही नाम पे वोट दिया जाता है। अच्छा। तो अपन क्यों देते हैं वोट किसी को? हमारा काम हो, विकास हो। अच्छा। क्या विकास किए हैं? गेट तो सामने दिख रहा है 5-10 साल में, 10 साल के बीच में थोड़ा फोकस कर देंगे, दिखा देंगे 10 साल में विकास के गेट दिखा रहे हैं। उसके अलावा कुछ और बता सकते हैं? और कोई कार्य नहीं हुआ? कोई कार्य नहीं हुआ है, बताइए। कहीं पे प्रभाव बना है? कुछ नहीं बना है। किधर है बस प्रभाव, दिखाएंगे हमको? अच्छा। दिखाएंगे, रास्ते में आए थे, एक बस प्रभाव दिखने को तो नहीं दिख रहा है। अच्छा, बीना देवी जी कह रही है कि 5 साल जितना हमको समय मिला उतना कार्य किए, फिर से एक बार बहू को मौका दे और यहाँ उनका स्थान। बीना देवी से एक बार पूछिएगा, 10 साल से है ना, 10 साल में कितना बार आए हैं? अच्छा। हाँ, पब्लिक के बीच में कितने बार आए हैं? बीना देवी नहीं आए? नहीं आती है। वो तो बोलती मेरा घर है, लोगों से मिलते हैं। तो घर है तो घर वाला को छोड़ दो, और बाहर वाला पैसा छापने जहाँ मिल रहा है वहाँ पे भागते चलो, ये पहले घरे वाला को देखेंगे। आप लोग मोदी जी को नहीं देख रहे हैं? हम तो वही तो बोल रहे हैं, उनको मोदी जी के ही नाम पे 2 बार दिया गया कि कार्य करे वो, लेकिन वो नहीं किया था, अभी तो चेंज करना ही पड़ेगा ना। हम मोदी जी के नाम पर मांग रही है वोट, तो मोदी जी के नाम पे तो 10 साल से दे रहे हैं वोट, एक बार दीजिए। अब कहाँ से दे दे, अब देंगे तो बिकार जाएंगे, मालूम पड़ेगा कटवाले के भीख मांगना पड़ेगा इसी मंदिर पर। इस बार वैशाली में? वैशाली में इस बार ललटेन का ही है। ललटेन है, नाम क्या होगा? मेरा नाम हुआ सुबोध कुमार सिंह। सुबोध कुमार सिंह जी, अब सिंह जी होके काहे इसे बोल रहे हैं? बिल्कुल बोलेंगे। नाराजगी है मुझसे? नाराजगी है जो कि नेता का काम है, जब पब्लिक वोट देता है तभी ये जीतता है। अच्छा। हाँ, जब वोट दे रहा है, जीत रहा है, जब पब्लिक को कोई अगर दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, और उस सामने अगर आपको खबर मिलने पर भी नहीं आइए, तो ये गेट बना देने से, एगो बैठकी बना देने से आपको वोट नहीं देगा कोई। दुख में आइए, जो हर चीज में सहारा हुई है, लोगों से मिलिए, मिलिए कम से कम, नहीं तो साले में एक आध बार कम से कम एक चौकड़ी मार दीजिए, उतने में लोग खुश रहता है। बीना देवी तो बोल रही है कि भूमिहार भूमिहार मेरा है, आप कैसे बोल रहे हैं? भूमिहार कैसे है? भूमिहार तो सबका है ही है। अच्छा। सबको देखता है भूमिहार। अच्छा। लेकिन भूमिहार का जिस समय आता है, उस समय भूमिहार का ये सीधे कहता है जो नहीं अभी मारो इसको, टांगा देखिए गिर जाए। 1984 जो था और उसके बाद 89, क्या 84-89 को किला इस बार भूमिहार बचा पाएंगे? उनकी दफे एकदम उखाड़ देना है सब, पापा बीना देवी को उखाड़ देना। बिल्कुल, ऐसे बोल एकदम, इसमें कहा कोई संदेह नहीं है। बीना देवी से डर नहीं लगता? काहे लग, हम लोग का डर लगने वाला है, अपने यहाँ का क्या खा जाएगा कोई? आप मोदी जी को देखिए, आगे देखिए, ऊपर देख के वोट दीजिए। ऊपर ऊपर देख के तो दिए थे, ऊपर वाला तो हमको देखिए नहीं रहा था, हम कहाँ से अब ऊपर देखेंगे। अच्छा। बीना देवी हमेशा चर्चा कर रही है कि जंगल राज फिर से आ जाएगा, कोई सांसद आएगा तो। वो कोई नहीं, मुन्ना शुक्ला जी 27 बार जेल गए हैं, वो गिनवा रही है, गिनवा रही है, तो वो भी तक कितना आदमी को मरवा दी वो लोग भी, बीना बाउल का उनका। अच्छा भाई साहब, ये बताइए कि आप तो बहुत अच्छे से अपना बात रख रहे हैं, क्या बीना देवी जी आपके पास आएंगे तो फिर से कोई नाराजगी दूर तो ना हो जाएगा? कोनो नाराजगी दूर ना होगा, नाराजगी जो है वो तो है ही है, अब कहाँ दूर। हाँ, तो अब कहाँ दूर होने वाला है, क्या है? बात है, तो पूरा एकदम खुल गए, खुल गए। भूमिहार किसी से डरता नहीं ना, भूमिहार कभी भी ना पर्सनली बीना देवी को भी जब देना होता था तो बोलते थे कि हाँ BJP को ही देना है। हाँ, बोल के दे रहे, इससे बार भी बोल रहे हैं कि RJD को देंगे, हम कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं हम आपको, अगर जो बीजेपी से अधिक BJP का बूथ अध्यक्ष भूमिहार था, क्या भूमिहार इस बार उस भी हमको विकास चाहिए, विकास विकास चाहिए, विकास चाहिए और कुछ नहीं चाहिए।
हम किसी आपको आपको आपका शकल देख के हमारा पेट भरने वाला है? नहीं नहीं तो फिर हमको क्यों देंगे आपको? क्या मुन्ना शुक्ला जी पे भरोसा है? है ना, है तब तो क्या भरोसा है ना? मुलाकात हुई है कब? अरे बहुत दिन आके गए हैं, हम लोग भी जाते हैं, इज्जत हो रहे हैं। वो न रहते हुए भी बहुत काम किए हैं, 27 बार जेल गए हैं। वो रहने दीजिए, जंगल आ जाएगा वो जंगले, सुनिए ना, वो भी जंगले के चलते जेल गए हैं, वो भी जंगले के चलते जेल गए होंगे। हाँ, ये पांचों उंगली बराबर नहीं है, ठीक है? जहाँ जब साफ छवि का है, बोलता है कि मुन्ना शुक्ला को टिकट मिला है, अगर किसी उसको जो वोट देता है उनसे पैसा लेता है, कालर पकड़ के उनका पैसा छीन लिया जाता है। मुन्ना शुक्ला जी छीनते हैं, आप देखे हुए हैं? आपके सांसद महोदय, सांसद के बोले, सांसद तो बोल रहे हैं कि हम ऐसे कर दिया, किधर है दिखाइए ना जरा, कहीं नहीं दिख रहा, कहाँ दिख रहा है बताइए ना हमको। गेट हो गया, बस पड़ाव हो गया, रेलवे बन गया, अच्छा रेलवे बन गया, रेलवे पूछिएगा तो रेलवे कब से पास है वो जरा पूछिएगा उनसे। अच्छा। हाँ, कितना साल पहले से रेलवे पास है उनको? मोदी जी ही पास करवाए, तो मोदी जी के नाम दीजिए, मोदी जी पास करवा दिए हैं, बिना देवी पास करवाई है। वो तो बोल रही है कि मोदी जी करवाए सब विकास, तो आज को भूमिहार ही कुर्सी पर बैठाता है और कुर्सी पर से भूमिहारे उतारता है। इसको जीरो बैलेंस करके लोग चलता है। अच्छा। एकदम अल्लाह कुलिया बचा लेना, एकदम जिंदाबाद जिंदाबाद लालटेन जिंदाबाद। इतना खुशी आप लोगों को है ना? खुशी है तब तो बोल रहे हैं। देखिए भूमिहार लोग हैं और इन लोगों का एकदम काम चाहिए, और लालटेन से इन लोगों को कोई नाराजगी है क्या? किसी पक्ष से नाराजगी नहीं है, किसी पक्ष से नाराजगी नहीं। जंगल राज लाइएगा कोई, हमको काम चाहिए, हमको काम चाहिए। समाज पूरा इस बार किला बचाने का प्रयास कर रहा है, हमने दिखाने का भी कोशिश किया। क्या है अगला प्रतिक्रिया अपना दीजिएगा, और हम भी आपके बीच लेकर आते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत अगले वीडियो में अगले खबर के साथ। धन्यवाद।